नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिमालय रियल स्टेट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूं, बिल्कुल द्वारका के बीच में, द्वारका सोसाइटीज में आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूं। बिल्कुल NSIT के सामने आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है और सेक्टर 14 भी आपको, वेगास मॉल भी आपको यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वेगास मॉल भी आपको बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के पास मिल जाता है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो ये 100 स्क्वायर यार्ड में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। बिल्कुल फ्रंट का फ्लैट है आपके सामने और फ्रंट का रोड कम से कम 20 फीट का रोड आपको फ्रंट का यहाँ पे मिलने वाला है। 3 रूम आपको यहाँ पे बना के दे रहे हैं, किचन, मॉड्यूलर किचन आपको साथ में मिल रही है, 2 वॉशरूम मिल जाते हैं और दोनों रूम आपको वेंटिलेटेड है। बिल्कुल दोनों रूम से आपको बालकनी यहाँ पे मिलने जा रही है। तो चलिए दोस्तों मैं बिना टाइम गवाए आपको इसका एक शॉर्ट रिव्यू देने वाला हूँ इस प्रॉपर्टी का। जहां मैं खड़ा हूँ इस प्रॉपर्टी का लिविंग एरिया है और लिविंग एरिया इतना वाइड साइज का हमने लिविंग एरिया निकाला है आपके लिए, लगभग 14x16 का इसका अप्रोक्स इसका साइज है। और लिविंग एरिया की दिखाना चाहूंगा आपको साइज, इतना वाइड साइज आपको निकाल के दिया है हमने इस लिविंग एरिया का, काफी काफी वाइड साइज है। आप आएंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितना वाइड साइज लिविंग एरिया का आपको मिलने जा रहा है। एल टाइप का आपका यहाँ पे सोफा आता है, सोफा आपका 10 सीटर सोफा आता है, तो काफी स्पेस आपको यहाँ पे, खुला स्पेस आपको मिलने जा रहा है। वाइट आपको यहाँ पे कॉफी टेबल, आप बड़ी कॉफी टेबल भी लगाते हैं तो काफी स्पेस मिल जाता है आपको। और एल टाइप दोनों दीवारों पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है, यूनिक डिजाइन का हमने वॉलपेपर आपको लगा के दिया है। आप दिखाना चाहूंगा वॉलपेपर, इतना शानदार एक ग्रेस दे रहा है इस लिविंग एरिया को। और ऊपर फॉल सीलिंग की बात करी जाए तो यूनिक डिजाइन की हमने फॉल सीलिंग यहाँ पे इस लिविंग एरिया में बनाई है। और इसके साथ ही आपको दोनों फैन लगा के दिए जा रहे हैं और आपको झूमर मिल जाता है, शैंडलर मिल जाता है बिल्कुल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। और इसके साथ ही आपको मल्टी कलर इसमें आपको शैंडलर में मिलने जा रहे हैं। ऊपर आपको कॉब लाइट और हैवी फॉल सीलिंग आपको इस लिविंग एरिया में मिलने जा रही है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे अपना सोफा प्लेस करते हैं तो सामने आपको इस रूम में LED पैनल आपको बना के दिया है, बिग साइज का आपको LED पैनल मिल जाता है, काफी बड़े से बड़ा आप TV यहाँ पे लगा सकते हैं। और नीचे स्पेस की बात करी जाए तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिए हैं, यहाँ पे अपना आप सामान प्लेस कर सकते हैं। और इसके लिविंग एरिया के साथ ही यहाँ पे हमने फ्रिज का स्पेस दे दिया है, आप यहाँ पे बड़ा फ्रिज आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, पॉइंट आपको दे दिए हैं स्विचेस के। और इसकी एंट्रेंस की बात करी जाए तो यहाँ से इसकी एंट्री होती है इस रूम में, ये देखिए आप इसकी एंट्री आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इसका पैसेज एरिया आपको दिखाया था कि लिफ्ट एरिया का पैसेज एरिया आपको कितना वाइड यहाँ पे पैसेज एरिया मिलने जा रहा है, काफी वाइड साइज आपको पैसेज का भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपका लिफ्ट सेक्शन है, आप जैसे ही लिफ्ट में उतरते हैं तो आप यहाँ पे आपको इस प्रॉपर्टी में एंट्रेंस मिल जाती है, एंट्रेंस मिलती है आपको लिविंग एरिया का, यहाँ पे वाइड साइज का आपको एरिया मिलने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इस लिविंग एरिया के साथ ही बात करना चाहूंगा लेडीज की फेवरेट प्लेस की, किचन की। मॉड्यूलर किचन आपको बना के दिया जा रहा है, सारी फैसिलिटी के साथ आपको ये मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। एंट्रेंस पे आपको मैंने बताया कि आपको फ्रिज का यहाँ पे एरिया मिल जाता है, आप फ्रिज प्लेस कर सकते हैं, 5 से 6 पर्सन आराम से यहाँ पे किचन में यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। ऊपर आपको सारा मॉड्यूलर काम करके दिया हुआ है, माइका आपको लगा के दिया जा रहा है, यहाँ देखिए आपको सारा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको चिमनी प्लेस करके दी जाएगी वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे आपको देखिए सारा, यहाँ पे सारा वाइट साइज के आपको कैबिनेट बना दिए हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे आपको RO की जगह मिल जाती है, यहाँ पे अपना RO प्लेस कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे सिंक लगा दिया है, यहाँ पे अपने सैनिटरी आइटम आपको लगा के दिया जाएगा। और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी लगा दी है हमने, बिग शाफ्ट आपको बना के दी जा रही है, यहाँ पे अपना एग्जॉस्ट भी आप प्लेस कर सकते हैं, चिमनी भी आपको लगा के दी जाएगी। नीचे आपको स्टेनलेस स्टील का सारा काम करके दिया जा रहा है, दिखाना चाहूंगा देखिए आप, बिल्कुल अपने आप बड़े जो किचन के सामान है यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, यूटिलाइज आपके जो कटलरी आइटम है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, स्पेस देखिए सिलेंडर आप प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके साथ ही आप यहाँ पे बिन प्लेस कर सकते हैं, काफी स्पेस मिलने जा रहा है आपको इस रसोई में, काफी मॉड्यूलर अच्छा हमने किचन बना के दिया है। और इसके साथ ही लिविंग एरिया के साथ की बात करी जाए तो कॉमन वॉशरूम हमने लिविंग एरिया के साथ दिया आपको, वाइट साइज का आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। और इसकी रूफ तक की आपको टाइलें लगा के दी जा रही है, सैनिटरी आइटम आपको सारे यहाँ पे ब्रांडेड आपको लगा के दिए जाएंगे, नीचे आपको एंटी स्किड टाइले लगा के दी जा रही है, काफी वाइड साइज का आपको रूम यहाँ पे वॉशरूम आपको बना के दिया है। अब मैं ले चलता हूँ इस प्रॉपर्टी के फर्स्ट बेडरूम में, फर्स्ट बेडरूम की बात करी जाए तो दोनों रूम जो उसके हैं, 2 रूम वेंटिलेटेड है, बिल्कुल आपको बालकनी से टच होते हैं, दोनों रूम से आपको बालकनी मिलने जा रही है। और इसके साथ ही एंटर करती है आपको काफी खूबसूरत आपको
वॉलपेपर मिलने जा रहा है आपको, यूनिक डिजाइन का आपको वॉलपेपर लगा के दिया है, और इसके साथ ही ऊपर आपको फॉल सीलिंग लगा के दी जा रही है विद अ कॉब लाइट, आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल जाती है। और यहाँ पे इस रूम में हमने आपको वार्डरोब बना के दी है, काफी रूफ तक की आपको वार्डरोब मिल जाती है, बिग साइज की आपको वार्डरोब मिलने जा रही है। माइका कॉम्बिनेशन की बात करें तो ब्राउन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, ऊपर भी आपको कैबिनेट मिल जाते हैं। देखिए काफी आपको स्पेस यहाँ पे बना के दिया जा रहा है, और इसके साथ ही इस रूम में आपको विंडो एसी के लिए प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, अपना विंडो एसी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो भी बना के दी जा रही है, दोनों पल्लों के साथ आपको ये मिल जाती है, ब्लू ग्रे और ग्लास के साथ आपको बना के दी जा रही है। और इसके साथ ही आपको बालकनी मिलने जा रही है इस रूम के साथ, काफी वाइड साइज की आपको बालकनी मिल जाती है, 3 से 3.5 फीट का यहाँ पे आपको बालकनी का एरिया मिल जाता है, और स्टेनलेस स्टील की आपको सामने ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं, काफी स्पेस आपको मिलने जा रहा है, सामने आपको 20 फीट का रोड मिल रहा है। कनेक्टिविटी की बात करिए तो काफी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिलने जा रही है, द्वारका से कनेक्टिविटी बिल्कुल पास में ही, आपको बिल्कुल जाम से दूर, उत्तम नगर के जाम से आप बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। और इस प्रॉपर्टी की बात करें तो काफी अच्छा हमने यहाँ पे स्पेस बना के दिया है। और इसके साथ ही दूसरा रूम दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल आपको ये भी बालकनी के साथ आपको मिलने जा रहा है रूम, इस रूम से भी आपको बालकनी टच, आपको बालकनी की एंट्रेंस है, और एंटर करते ही काफी बिग साइज का आपको रूम मिलने वाला है, ये भी काफी स्पेसेस रूम ने निकाले हैं। और सामने आपको वॉलपेपर यूनिक डिजाइन का वॉलपेपर लगा के दिया रहा है, सेम आपको इसमें भी आपको हैवी फॉल सीलिंग और फैन वगैरह इलेक्ट्रिक आइटम सारे लगा के दिए जा रहे हैं। इसमें भी हम आपको वार्डरोब बना के दे रहे हैं, बिग साइज की आपको वार्डरोब मिल जाती है, वही सेम ब्राउन और व्हाइट का आपको माइका मिल जाता है, विंडो एसी के लिए प्रोविजन आपको दे दिया है, यहाँ पे आप विंडो एसी प्लेस कर सकते हैं। और इसके साथ भी आपको बालकनी, इस रूम के साथ भी बालकनी आपको मिलने जा रही है, सेम आपको दोनों रूम से वेंटिलेटेड रूम है आपको, तो काफी अच्छी आपको ये प्रॉपर्टी लगने वाली है। नीचे सारी हमने वेट्रीफाइड टाइलें लगाई है, सारी वेट्रीफाइड टाइलें आपको लगा के दी जा रही है। और यहाँ पे हमने स्प्लिट एसी की बात, प्रोविजन की बात करी जाए तो लिविंग एरिया में आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अपना आप स्प्लिट एसी लगा सकते हैं, तो काफी अच्छा आपको ये मिलने जा रहा है प्रॉपर्टी। तो अब मैं ले चलता हूं आपको इस प्रॉपर्टी के थर्ड एंड लास्ट बेडरूम में, तो चलिए मैं आपको इस प्रॉपर्टी के लास्ट एंड थर्ड बेडरूम में आपको लेके जाना, उसको आप मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। काफी वाइड साइज के रूम आपको तीनों यहाँ पे निकाल के दिए हैं हमने, काफी अच्छा काम करके दिया है हम इस प्रॉपर्टी में। सामने आपको यूनिक डिजाइन का सेम आपको यहाँ पे काट दे यार, आपको सामने फ्रंट में आपको वॉलपेपर मिल जाता है, कस्टमाइज आपको वॉलपेपर मिलने जा रहा है, ऊपर आपको हैवी फॉल सीलिंग मिलने जा रही है विद द कॉब लाइट, आपको ये प्रॉपर्टी मिलने जा रही है। और इसके साथ ही इस रूम में आपको विंडो एसी का प्रोविजन दे दिया है, यहाँ पे आप विंडो एसी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, वेंटिलेशन की आपको शाफ्ट बना दिया है बिग शाफ्ट, और इस रूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलने जा रहा है। भाई दोस्तों काफी बिग साइज का वो आपको वॉशरूम मिलने जा रहा है, ऊपर आपको रूफ तक की टाइलें मिलने लगी हुई है, नीचे आपको एंटिस की टाइलें हैं, सारा सैनिटरी ब्रांडेड आपको 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 आइटम यहाँ पे लगा के दिया जाएगा। और बेसिक नीड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको बेसिक का कनेक्शन और 24 आपको जल बोर्ड का पानी मिलने वाला है, समर सीवर का पानी आपको 24/7 मिलने जा रहा है, सेपरेट टैंक आपका हर फ्लोर का आपको सेपरेट टैंक आपको हम ऊपर छत पे लगा के देंगे, अब उसमें आपको समर सीवर का पानी 24/7 मिलने जा रहा है, एमसीडी का पानी भी आपको मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल 90% आपको लोन मिलने जा रहा है, आप आइए इस प्रॉपर्टी में विजिट करिए, काफी पसंद आने वाली है आपको ये प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।